आज जो प्रश्न 2.4 का प्रश्न नंबर 2 करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 है क्या, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इन भिन्नों का हमने व्युत्क्रम ज्ञात करना है, साथ ही क्या करना है, व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं व्युत्क्रम होता क्या है। देखिए कोई भी भिन्न है, भिन्न भिन्न को हम जो है अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर वाली संख्या जो होती है वह अंश कहलाती है और नीचे वाली हर कहलाती है। जैसे 7/9 है तो यहाँ पर आपका अंश क्या है 7 है और हर क्या, नीचे वाली संख्या जो है वो क्या है आपका, ठीक है, वो हर है जो कि 9 है यहाँ पर, ठीक है। तो व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे हम इसका, व्युत्क्रम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे संख्या को जो है हर बटे अंश कर देंगे। मतलब अब की बार जो आपका अंश हो जाएगा वो 9 हो जाएगा और हर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो पलट देंगे, व्युत्क्रम ये हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि उचित भिन्न क्या है, उचित भिन्न किसे कहेंगे हम। उचित भिन्न जब आपका अंश हर से छोटा हो, जैसे कि यहाँ पर आपका 7/9, 7 क्या है, 7 जो है छोटा है 9 से, तो यह आपकी कैसी भिन्न होगी, उचित भिन्न है। कैसी भिन्न है, उचित भिन्न, ओके। अब के बाद विषम भिन्न, विषम भिन्न जो है इसका बिल्कुल ही उल्टा है, विषम भिन्न इसका बिल्कुल ही उल्टा है। उसके लिए क्या करेंगे, मान लो आपका क्या रहेगा, जैसे कोई इसका व्युत्क्रम लेते हैं 9/7 है, यहाँ पर क्या आपका अंश जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, हर से, तो आपकी कैसी भिन्न है, विषम भिन्न है। अब आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो आप जानते ही हैं, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती रहती है, अनंत तक चलती है, ये आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। तो हमने ये करना है भिन्न, भिन्न का व्युत्क्रम निकालना है। उचित भिन्न, उचित भिन्न कौन सा, जिसका ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर से, और विषम भिन्न इसका बिल्कुल उल्टा है, इसका अंश बड़ा हो हर से वो विषम भिन्न कहलाएगी। और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 वाली होती हैं, जो कि ना ही तो पॉइंट में हो, ठीक है, ना ही तो दशमलव वाली हो, और ना ही फ्रैक्शन में हो, भिन्न के रूप में हो, वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। नहीं तो भिन्न में होनी चाहिए और ना ही दशमलव में होनी चाहिए, समझ गए। तो पहला सवाल है हमारा, हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले सवाल है, ठीक है, 3/7, 3/7 का व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका अंश है और हर है उनको एक्सचेंज कर देंगे, व्युत्क्रम क्या होगा इसका 7/3। पलट दिया, अंश की जगह पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, और हर की जगह पर अंश आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका व्युत्क्रम हो गया। अभी कैसे भी नहीं, चूंकि यहाँ पर आपका क्या है, अंश जो है वो बड़ा है हर से, इसलिए ये कैसी भिन्न हो गई, आपकी विषम भिन्न है भाई, विषम भिन्न है। दूसरा सवाल देख लेते हैं, दूसरा सवाल है 5/8, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, पलट दो जो आपकी भिन्न है, यहां पर क्या आपका ये अंश है और ये क्या आपका हर, हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो, तो 8 यहाँ पर अंश के रूप में आ जाएगा और हर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये व्युत्क्रम भिन्न हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसमें, इस सवाल में भी हम देख पा रहे हैं कि अंश, चूंकि अंश क्या है, बड़ा है किससे, हर से, 8 is greater than 5 है ना भाई, तो ये कैसी भिन्न है, ये भी क्या आपकी विषम भिन्न है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक और मुश्किल सा सवाल हमारा, अब 1/8 लेके देखते हैं, ठीक है। छठा सवाल करा देता हूँ मैं, छठा सवाल है आपका 1/8, 1/8 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम लिख लेते हैं सबसे पहले हम, अंश और हर को पलट दो, 8/1 हो गया, ठीक है, यह आपका व्युत्क्रम हो गया। अब 8/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 1 नीचे से हटा सकते हैं। अब यह संख्या जो है आपकी ना ही तो भिन्न में है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखे चूंकि संख्या नहीं तो भिन्न है, अंश बटे हर के रूप में है और
ना ही दशमलव है इसलिए यह एक पूर्ण संख्या है। क्या है? ठीक है बच्चों, तो तीन सवाल मैंने किए हैं, पहला, दूसरा और छठा। ये तीन सवाल मैंने आपके लिए कर दिए। इसी आधार पर आपने जो है थर्ड सवाल, फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ जो है, ये सवाल जो आपने खुद करने हैं। DYS, डू योर सेल्फ। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या उत्तर होंगे। आंसर लिखें।